अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को यूट्यूब की दुनिया में उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बस चाय मेरी बन चुकी है, सुबह हो चुकी है, ईद का चौथा दिन है और बस ईद जैसे आती है ख़त्म हो जाती है। अब जो है ना मैंने दूध पकाना है, चाय तो मैंने बना ली है, बस अब मैं दूध पकाऊंगी। और क्या कहते हैं ना, इत्तेफाक से कराची में बारिश हो गई, हालांकि बारिश के कोई आसार नहीं थे। खैर मौसम अच्छा हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना। और बस नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। तो बस मैंने अंडा फेंट लिया चीनी डाल के, ऊपर से थोड़ा मैं दूध डाल रही हूँ और अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार होती है ना, बहुत ही मज़े के फ्रेंच टोस्ट बनते हैं। तो बस बच्चों ने आज बोला था फ्रेंच टोस्ट, तो मैंने कहा चलो मैं ये बना देती हूँ, तो थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। बस किस किस को अच्छे लगते हैं ज़रूर कॉमेंट्स में बताया करें। बस अब मैं ये नाश्ता बनाने के बाद, इतना मसरूफ़ दिन जाता है ना, बस फिर मैं इन लोगों को नाश्ता दूंगी। और क्या कहते हैं ना, फिर बारिश हो गई है, सारा जो है ना सफाई वगैरह करनी है, सारा पानी पानी हो जाता है। नाश्ता तैयार हो चुका है, बस हम लोग करेंगे नाश्ता। बस बारिश हो गई थी तो फिर छत पे चले गए थे और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कराची का मौसम मतलब गर्मी कम हो गई थी, इतनी गर्मी थी ना ईद में तो गर्मी कम हो गई थी। बस आज मैंने खाने बनाया था अचार का, तो इसकी रेसिपी मेरे व्लॉग में बिल्कुल वैसी बना रही हूँ। बस मैंने इस पर जो है ना फूड कलर रेड डाल दिया, जर्दा रंग नहीं था तो मैंने वो डाल दिया। बस इसको मिक्स करके जो है ना अच्छे से इसको चिकन पे लगा लें, और इसको अगर एक दिन पहले लगा के फ्रिज में रख देना तो बहुत अच्छा तरीका था। मेरे पास टाइम नहीं था नाश्ते के बाद, मैं बस इसको फ्रिज में रख दूँगी और फिर शाम। बस अब मैंने एक किलो दूध लिया था, उसमें इलायची कूट के डाल दी थी और इसको मैंने पका लिया था। चार चम्मच ये वाले चावल मैंने जो थे पीस के जो है ना वो डाल दिए थे। तीन घंटे मैंने चावल भिगो दिए थे, बस इसको पकाएं थोड़ी देर आधे घंटे। उसके बाद मैंने चीनी डाल दी थी चीनी के साथ, फिर मैंने 10 मिनट पकाया। फिर मैंने डबल रोटी का चार पीस रखे ब्लेंडर में पीस के ना उसको इसमें डाल दिया। उसके बाद इसको ना ठंडा होने के बाद मशीन में पीसे ब्लेंडर में ना, उसके बाद जो है ना इसको मैंने देखें प्याले में, ये इसका टेक्स्चर इस तरह का, तो ये इतनी मज़े की खीर रबड़ी फालूदा आइसक्रीम की तरह बनेगी। बस मैंने इसके अंदर बादाम पिस्ते डाल दिए और इसको चला लें, क्योंकि जाहिर सी बात है खीर रबड़ी फालूदा जो आइसक्रीम होती है उसके अंदर भी होते हैं। बस अब मैं इसको ऊपर से भी गार्निशिंग कर दूंगी। इसको ना फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं, वैसे मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग भी खाएं तो ट्राई करके मुझे बताएंगे, नया मीठा है बहुत ही मज़ेदार, मतलब ना इसमें खोया वगैरह कुछ नहीं जाएगा। बस अब मैंने पराठे बना लिए हैं और क्या कहते हैं खाने में तो मैंने आपको बताया था, चल रहा है रात हो चुकी है और खीर तो फ्रीज़र में जा चुकी है। बस खाना जो है वो तैयार हो चुका है, चल रहा है रायता है सैलड है, बस अब तो ना ये खाएँगे। ईद तो खैर ख़त्म ही हो चुकी है, बस आज आखिरी दिन है, तो बस अब खाना वगैरह खाएंगे। और मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताया करें, और चलो किस किस ने ट्राई किया, किसको पसंद है। बस खीर अब जो है ना खाना खा लिया था, अब सब मीठे खीर बच्चे बोल रहे थे, तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये देखें मैं निकाल रही हूँ ना, तो मतलब ये जमी हुई है, बस बच्चों को ज़्यादा जल्दी थी ना तो इन लोगों ने जमनी ही दी, थोड़ी जमी है थोड़ी नहीं जमी। देखें इतने मज़े का आने ही लगेगा आपको, फालूदा खा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ज़रूर इसको ट्राई करें और ज़रूर मुझे बताएं कि मतलब ना खीर रबड़ी फालूदा मिक्स कितनी मजे की बनती है, मतलब इतनी झटपट बन जाती है। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन, अल्लाह हाफिज़।